गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जनपद में पूरे उल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मंडलायुक्त ने मतदाताओं को दिलाया शपथ, वितरित किए नए वोटर आईडी कार्ड, कहा लोकतंत्र में पुनीत कर्तव्य है मतदान। बुढ़वा मंगल को खिचड़ी चढ़ाने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में पुलिस कर्मियों को किया गया ब्रीफ, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवजात शिशु और अल्ट्रासाउंड संचालकों के बीच चल रहे मामले का सोमवार को आईएमए के पहल पर हो गया पटाचेप। आईएमए अध्यक्ष ने कहा बच्चे को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उपलब्ध कराई जाएगी अन्य सुविधा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, सीओ कैंपियरगंज, एएसपी राहुल भाटी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने जनपद वासियों को दी अपनी शुभकामनाएं। सभी के सुख समृद्धि तथा बहुमुखी विकास की मंगल कामना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन कार्यालय से निकाली गई दो पहिया जन जागरूकता रैली, सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों को किया गया जागरूक, दी गई यातायात नियमों की जानकारी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी ने सोमवार को रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के माध्यम से पर की सुरक्षा व्यवस्था। एसपी रेलवे ने कहा स्टेशन परिसर और यात्रियों की सुरक्षा में न होने पाए कोई चूक, बरते सावधानी। पुलिस ऑफिस पर 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा अधीनस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारी गण सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की दिलाई गई शपथ। एसटीएफ यूनिट गोरखपुर के इंस्पेक्टर सहित 4 एसटीएफ कर्मियों को दिया गया डीजीपी सम्मान प्रशंसा चिन्ह। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह को मिला गोल्ड मेडल का सम्मान। गणतंत्र दिवस पर जिले के पुलिस कप्तान द्वारा उन्हें मिलेगा यह सम्मान। 26 जनवरी को बुढ़वा मंगल पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर क्षेत्र में 2 दिन यातायात मार्ग को किया गया परिवर्तित। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 27 की रात 11 बजे तक गोरखनाथ मंदिर की ओर नहीं जाएंगे वाहन। गोरखपुर में सोमवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,350। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 106 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बैंक रोड स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा पर आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। एसबीआई डीजीएम ने कहा रक्तदान है महादान। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन सहित सरकारी और गैर सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी से हुई रोशन। उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं देश का गणतंत्र दिवस।